नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। दोनों पार्टियों में गठबंधन के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। आज शाम तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बाकी चीजें तो पुरानी हो गई है, अंत भला तो सब भला। कांग्रेस ने अंतिम समय में सिर्फ दो सीटों पर बदलाव की मांग की। पहली मांग में हाथरस को सपा से वापस लेकर सीतापुर देने की बात कही गई, जिसे सपा ने स्वीकार कर लिया। दूसरी मांग में बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट सपा को देने और कांग्रेस को श्रीवस्ती देने की बात कही गई। सपा ने इस पर विचार करने की बात कही। मुरादाबाद सीट की मांग को कांग्रेस ने वापस ले लिया है। आगे की बातचीत कांग्रेस के यूपी प्रभारी और सपा के बीच जारी है। जल्द ही सीटों के बंटवारे की घोषणा की जा सकती है। अखिलेश यादव ने वाराणसी से उम्मीदवार वापस लेने की बात कही है। कांग्रेस ने कहा है कि वह सपा के साथ गठबंधन के लिए आखिर तक प्रयास करेगी। कांग्रेस का मानना है कि एक साथ लड़ने से दोनों पार्टियों का फायदा होगा और मोदी विरोधी और अल्पसंख्यक मतदाता गठबंधन का समर्थन करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।